मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस को लेकर बरेली समेत पूरे प्रदेश अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम योगी ने खुराफातियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अराजक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान किसी गीत संगीत और नारेबाजी से किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि कोई विद्वेष फैलाने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। योगी के कड़े रुख के बाद डीजीपी विजय कुमार ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश मातहतों को दिए। उन्होंने संवेदनशील एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा निर्धारित एसओपी के मुताबिक सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सभी कमिश्नरेट व जिलों में नियमित रूप से प्रातकालीन पोस्टर पार्टी का गठन कर चेकिंग कराने के निर्देश दिए हैं ताकि असामाजिक तत्व सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास न कर सकें। बरेली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर डीएम ने मतदाताओं को शपथ दिलाई और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को सम्मानित किया। राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने कहा कि सभी से मतदान की अपील की। इस दौरान डीएम ने मतदाता जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्व कर चुके सभी छात्र छात्राएं अपना नाम वोटर सूची में अवश्य जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मतदान हो उसमें अपना मत जरूर करें, यह हमारा पहला कर्तव्य है। बरेली में गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर से नाम तय होकर सूची जारी हो गई है। बरेली के एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को डीजीपी का प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। पुलिस लाइन में सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परेड में एडीजी व आईजी उन्हें सम्मानित करेंगे। घुले सुशील चंद्रभान वर्ष 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले साल सावन के दिनों में जब शहर दंगे की चपेट में आया था तो तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी की जगह उन्हें भेजा गया था। इसके अलावा 9 अन्य पुलिसकर्मियों को भी विशिष्ट सेवा सम्मान दिया जाएगा। बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने अटेवा पेंशन बचाव मंच के बैनर तले सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाते हुए नई पेंशन प्रणाली को वापस लेने की मांग की गई। साफ तौर पर कहा गया कि देश के करोड़ों शिक्षकों कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। बरेली से अब अयोध्या के लिए रोजाना बस सेवा मिलेगी। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या जाने वाली रोडवेज बस अब बरेली रीजन से नियमित रूप से अयोध्या के लिए जाएंगी। बरेली, बदायूं, पीलीभीत के साथ रुहेलखंड डिपो की बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि सैटेलाइट बस अड्डे से एसी बस का संचालन सुबह 10 बजे और साधारण बस का संचालन शाम को 7:30 बजे हर दिन किया जाएगा। बरेली में ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कलेक्ट पर वकीलों ने बड़ी संख्या में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और चुनाव में ईवीएम मशीन हटाने की मांग की। वकीलों का कहना है कि भारत में चुनाव में मतदान के समय प्रयुक्त होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रयोग तत्काल बंद किया जाए और बैलेट पेपर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में शासन की सबसे बेहतर अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वकीलों ने ईवीएम से वोटिंग में धांधली का भी आरोप लगाया है। बरेली में नगर निगम के अफसर शहर को छुट्टा पशुओं से मुक्त घोषित कर चुके हैं, लेकिन संजय नगर में बुधवार को एक सांड के उत्पात ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। गुस्साए सांड के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। पूरे दिन सांड के आतंक से आसपास के घरों में कैद रहे लोगों के साथ पुलिस भी बार बार सूचना देती रही, लेकिन इसके बावजूद सांड को पकड़ने के लिए नगर निगम की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया। रात 10 बजे नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन देर रात तक सांड को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। संजयनगर में सांड का उत्पात सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। उसने राह चलते लोगों पर हमला करके उन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया। सांड के हमले में सुभाष नगर निवासी करुणा शंकर पांडेय की मौत हो गई। बरेली में कुतुबखाना बाजार के पंजीकृत वेडर्स ने कुमार टाकील को वेडर जोन बनाने की मांग की। वेडर्स ने सिटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कहा कि बाजार में दुकानदारों को व्यापार के लिए जगह की समस्या सामने आ रही है। अक्सर अतिक्रमण हटाओ अभियान में दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए वेंडर्स ने कुमार टाकील को वेंडर्स जोन बनाने की मांग की है। बरेली में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की भरमार है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भड़काऊ पोस्ट के कई मामले सामने आए हैं। बरेली के सिरौली में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी में आतिशबाजी कर रहे एक परिवार पर हमला कर दिया गया। इसमें दंपति और उनके दो बच्चे लोग घायल हो गए। माहौल खराब होने की आशंका में कस्बे में पुलिस तैनात कर दी गई है। फरीदपुर में मोहल्ला लाइन पार मठिया निवासी यासीन ने वीडियो एडिट कर श्री राम मंदिर पर धार्मिक झंडा लगाकर व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया। इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही थीं। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष सोमपाल राठौर ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। इसी तरह सीबीगंज में गांव जोगी ठेर गौटिया निवासी पवन कश्यप ने दूसरे समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे देखा तो सैकड़ों लोग सीबीगंज थाने में जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। और भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर गुरुवार को करमपुर चौधरी में पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर महिला को घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती करमपुर चौधरी निवासी परवीन ने बताया कि पड़ोसी के बच्चों से उनके परिवार के बच्चों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद विवाद बढ़ गया। पड़ोसी गाली गलौज कर रहा था। परवीन ने विरोध किया तो पड़ोसी ने उस पर हमला बोल दिया।